नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी को मालूम है कि संघ लोक सेवा आयोग ने IAS 2021 की परीक्षा के लिए तिथियों को घोषित कर दिया है। ऐसे में अब से सिर्फ 8 माह का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही लिहाज से सामान्य अध्ययन एक बड़ी चुनौती होता है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए श्रेष्ठ व अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट में IAS टारगेट ऑनलाइन बैच 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए इस बैच की अवधि 8 महीने होगी। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता को भी विकसित करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन को तैयार किया जा सके। आलोक सर के कुशल निर्देशन में 1125 घंटे की कक्षा सटीक रणनीति के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की टीम एक मंच पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में। हमारे कक्षा कार्यक्रम में प्रारंभिक परीक्षा के तहत सामान्य अध्ययन एवं सीसेट और मुख्य परीक्षा के तहत सामान्य अध्ययन एवं निबंध शामिल है। यहाँ आपको मिलेगा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज, सभी टॉपिक अंतर विषयक समझ के साथ मुख्य परीक्षा के लिए लाइव कक्षाएं, एनिमेशन और पावर पॉइंट तकनीक के साथ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग हस्तलिखित एवं सारगर्भित नोट्स, सीसेट की कक्षाओं का संपूर्ण कार्यक्रम, लेखन शैली के लिए विशेषीकृत सत्र, अखिल भारतीय स्तर पर टेस्ट सीरीज सुविधाएँ। तो ज्वाइन करिए आलोक सर के कुशल निर्देशन में IAS टारगेट ऑनलाइन बैच। हमारे कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और अब खबरों की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट, बीते एक दशक में रहा सबसे खराब प्रदर्शन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में भी दिखा संकुचन, लेकिन चीन की जीडीपी में दर्ज हुई 3.2% की बढ़ोतरी। AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया 10 साल का समय, 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी समय सीमा, 31 मार्च 2021 तक चुकाना होगा AGR का 10% हिस्सा। तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। COVID-19 महामारी की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट दर्ज की गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का बीते एक दशक में सबसे खराब प्रदर्शन है। इस बात को आसान भाषा में कहें तो बीते अप्रैल से जून के बीच देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बीते साल इन्हीं महीनों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से 23.9% कम रहा। हमारे देश में जहां इस बदहाली के पीछे COVID-19 महामारी को वजह बताया जा रहा है, वहीं इस महामारी का केंद्र बिंदु रहा चीन। बीते दिनों एक आंकड़ा जारी किया था, जिसके अनुसार चीन की जीडीपी में 3.2% की वृद्धि देखी गई। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में भी संकुचन दिखा, लेकिन भारत की स्थिति खराब नजर आई। भारत के लिए आने वाला समय भी कोई अच्छी खबर की ओर संकेत नहीं कर रहा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में कोयले के उत्पादन में 15%, सीमेंट के उत्पादन में 38.3% तो स्टील के उपभोग में 56.3% का संकुचन दर्ज किया गया। इसी क्रम में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में 2% की कमी देखने को मिली, जबकि बीते साल 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस तिमाही के दौरान वाहनों की बिक्री और हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की संख्या पर काफी बुरा असर पड़ा है। एक तरफ जहां वाहनों की बिक्री में 84.8% की कमी आई, वहीं दूसरी ओर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 94.1% की कमी देखने को मिली।
हालांकि अर्थशास्त्रियों ने भी माना कि भारत समेत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हो रहा संकुचन निश्चित रूप से लॉकडाउन का ही एक गंभीर परिणाम है। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि संपूर्ण वर्ष में जीडीपी का आंकड़ा निराशाजनक रह सकता है। यह स्वतंत्र भारत में सबसे खराब स्थिति होगी। इस तिमाही में रोजगार पैदा करने वाले निर्माण, विनिर्माण, खनन, होटल और अन्य सेवा क्षेत्रों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ऐसी हालत में उत्पादन और आय में गिरावट हो रही है और आने वाले समय में पहले से कार्यरत लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ सकता है और नए लोगों को इन क्षेत्रों में काम नहीं मिलेगा। सच बात तो इससे भी खराब हो सकती है, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था से संबंधित गुणवत्तापूर्ण डेटा एकत्रित करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। विशेषज्ञों की माने तो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति इससे भी खराब हो सकती है। देश की शीर्ष अदालत ने बीते 1 सितंबर को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए 10 साल का वक्त देकर बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि कंपनियों ने न्यायालय में दलील दी थी कि अगर अभी एजीआर भुगतान का आदेश दिया गया तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों पर 1.47 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि बकाया है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 10 साल की राहत देने वाली यह अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी और टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर की बकाया राशि का 10% हिस्सा चुकाना होगा। इसके अलावा शेष रकम हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। इस संदर्भ में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि यह राहत कोविड-19 महामारी के संकट को देखते हुए दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कंपनियां एजीआर का भुगतान किस्तों में कर सकते हैं, इसके लिए कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन को हलफनामा देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 4 सप्ताह के भीतर कंपनियों के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत गारंटी की बात की गई। इस दौरान टाटा टेलीकॉम ने अदालत को बताया कि देय राशि के भुगतान के लिए कम से कम 7 से 10 वर्षों की आवश्यकता होगी। टेलीकॉम यूजर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां फिलहाल टैरिफ नहीं बढ़ाएंगी। टेलीकॉम कंपनियों ने मार्च में सर्वोच्च न्यायालय से एजीआर चुकाने के लिए 20 साल की मोहलत देने की अपील की थी। इसमें स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, लाइसेंस फीस, ब्याज, पेनाल्टी सभी कुछ शामिल हैं। गौरतलब है कि समायोजित सकल राजस्व या एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर जमा करने को लेकर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दाखिल याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर एक नज़र। हाल ही में एयरफोर्स कंट्रोल बोर्ड यानी AFSCB को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह पुरस्कार खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने और खेल कल्याण उपायों को लागू करने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया गया। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कॉरपोरेट संस्थाओं और उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आपको बता दें कि एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना और संचालन का सर्वोच्च निकाय है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना और युवा एयर वॉरियर्स को खेल को जीवन के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में शब्दों को उकेरा गया है। 25 पंक्तियों में इस शिलालेख को पुरातन तेलुगु भाषा में उकेरा गया, जिसमें 11 पंक्तियां एक तरफ और 14 पंक्तियां दूसरी तरफ उकेरा गया। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जा रहा है। तब यहां पर रेनाडू के चोल महाराजा का शासन हुआ करता था। आपको बता दें कि 500 से 1100 ईस्वी तक रेनाटी चोल, जिन्हें रेनाडू क्षेत्र के तेलुगु चोल भी कहा जाता है, इस राजवंश ने रेनाडू क्षेत्र, जिसे आधुनिक समय में कुडप्पा जिला कहा जाता है, यहां पर शासन किया था।
मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। मुस्तफा अदीब जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे। गौरतलब है कि पिछले ही दिनों लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया था। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार विस्फोट का कारण बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। मुस्तफा अदीब सरकार का गठन ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब लेबनान गंभीर आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। लेबनान पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण का बोझ नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, जो उसके कुल जीडीपी का 170% तक हो गया है, जो संभवतः किसी भी देश के द्वारा किया गया सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान की जनसंख्या 60.5 लाख है। इसके पूर्व में इजराइल और उत्तर पूर्व दिशा में सीरिया स्थित है। हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। भिवाड़ी औद्योगिक केंद्र से सेना और जहाजों के साथ साथ उद्योगों के लिए अत्याधुनिक मशीनें बनाई जाएंगी। युवाओं को कुशल इंजीनियर बनाने के लिए उनको तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी। भिवाड़ी औद्योगिक केंद्र बेरोजगारी कम करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। विनिर्माण क्षेत्र में इसकी भूमिका को और मजबूत करने तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार 15 नए प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित कर रही है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी। मास्को में जन्मी नूर इनायत खान के पिता भारतीय मूल के थे, जबकि माता अमेरिकी मूल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे परिवार सहित लंदन चली गईं, जहां वो ब्रिटिश सेना में शामिल हुई और कुछ ही समय बाद इन्हें एक गुप्त संगठन में नियुक्त किया गया और फ्रांस की जासूसी करने का काम सौंपा गया। तकरीबन 3 महीने तक मेडेलिन कोड नाम के तहत वो फ्रांस में जासूसी करती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रिटेन में एक सार्वजनिक स्थान पर स्थापित एक अस्थायी संकेत का प्रतीक ब्लू प्लाक उस स्थान और प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के बीच संबंध दर्शाता है। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।